गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम यहाँ पे स्ट्रेट प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। स्ट्रेट प्लाजो हम वो वाला कटिंग करेंगे जिसमें हम पूरे राउंड में इलास्टिक डालते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रेट प्लाजो पूरी इलास्टिक के साथ यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। उससे पहले गाइज़ मैं बता दूँ कि मैंने अपना सेकेंड चैनल बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लें। और ए शेप प्लाजो का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, वो भी आप ज़रूर चेक कर लें। उससे पहले गाइज़ मैं कुछ टिप्स आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर पहले हम लेग शेपर का यूज़ करेंगे, जो हम शेप देते हैं वो वाले स्केल का यूज़ करें। नीचे से फोल्ड करने के लिए मैंने 1.5 इंचेस लिया है, और जितनी हमारी इलास्टिक है अगर 1 इंच की है तो 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, अगर 2 इंच की है तो उसमें 0.5 इंच और प्लस करके एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर की तरफ छोड़ देंगे। और ये देखिए जो मेरा ओपन एरिया है वो मेरी तरफ है, उसकी जो किनारे होती है वहाँ पे मैंने निशान लगाया एक स्ट्रेट निशान, क्योंकि हम इसको कट करेंगे। उसके बाद गाइज़ देखिए हम अपनी हिप का मेज़रमेंट कैसे करेंगे। इंची टेप को पूरी हिप के राउंड में घुमाएंगे, अगर ज़्यादा लूजिंग चाहते हैं तो 4 इंच प्लस करें, नॉर्मल लूजिंग चाहते हैं तो 2 इंच प्लस करें। पूरी फिटिंग के अंदर लूजिंग के अकॉर्डिंग आप 4 इंच प्लस कर लें या 2 इंच प्लस कर लें, फिर उसको 4 से डिवाइड कर लें तो हमारी हिप की मेज़रमेंट आ जाता है। और जो हमारा क्रॉच एरिया है यहाँ पर, जो हमारी हिप आसन की हम जो लंबाई निकालते हैं, पूरी जो हमारी हिप है लूजिंग के अकॉर्डिंग आप उसको मेज़र कर लें। पूरी हिप जितनी हमारी है, ज़्यादा लूजिंग के लिए 4 इंच प्लस करेंगे, कम के लिए 2 इंच प्लस करेंगे। और जो आसन की लंबाई निकालने के लिए हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने नीचे पूरी फिटिंग निकालने के लिए यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है, तो हम आसन की लंबाई के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी आसन की लंबाई आ जाएगी यहाँ पर। और ये मैंने अपनी फिटिंग का निशान लगा दिया है, और इससे एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर 2 इंच लूँगी ताकि जो हमारी प्लाजो की शेप है वो यहाँ पर आ जाए। इस निशान को हम ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पे एक शेप दे देंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ऐसे शेप दे देंगे। और घुटने का निशान लगाने के लिए नीचे से देखिए, जो आसन के और जो नीचे से फोल्ड करने का एरिया है उससे हम पहले सेंटर करेंगे, और उससे 2 इंच ऊपर की तरफ हम यहाँ पे एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे, तो ये हमारे घुटने का निशान आ जाएगा। घुटने के पूरे राउंड में इंची टेप घुमा के जितनी आप लूजिंग चाहते हैं 1 इंच या 1.5 इंच उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना निशान लगा लें, और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा लें। तो ये हमारी, और नीचे से जितनी हमारी मोरी है उतना निशान लगा लें और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लें। अब हम यहाँ पर लेग शेपर का यूज़ करेंगे। देखिए पहले घुटने तक हम शेप देंगे और फिर यहाँ से ऐसी शेप दे देंगे, और ऊपर की तरफ भी आसन पे भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारा प्लाजो यहाँ पे अगर किसी को बाद में लूज़ करना हो तो वो यहाँ पे इजीली हो जाएगा। और ये देखिए आसन के बाद हम एंड में यहाँ पे कुछ ऐसा कट देंगे जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, जैसे हम अपने आर्म होल में देते हैं कुर्ते की कटिंग जब हम करते हैं, यहाँ पे भी हम ऐसे ही देंगे। और अब मैंने इसको कट कर लिया है, कट करने के बाद हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। के बाद देखिए गाइस, जो हमने साइड में फिटिंग का निशान लगाया है, पहले इस निशान को हम डार्क करेंगे। स्टिचिंग करने से पहले गाइस ये एक मेन बात है, इसको ज़रूर ध्यान रखें, और जो हमारी दूसरी लेग है उसको ओवरलैप करके रखेंगे और इस निशान को हल्का ऐसे थपथपाएंगे तो दूसरी लेग के ऊपर हमारी फिटिंग का निशान आ जाएगा। तो इससे क्या होगा गाइस, जो हमारी फिटिंग है वो प्रॉपर दोनों लेग्स के ऊपर प्रॉपर आएगी और छोटी या बड़ी भी नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ पे अपने आसन को स्टिच करेंगे। जो हमने आसन कट किया है, हम पहले 2 पोर्शन उठाएंगे, अपने आसन को यहाँ पे स्टिच करेंगे, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इंटरलॉक कर लूँगी दोनों को। इंटरलॉक करने के बाद मैं इनको खोल के ओवरलैप करके रखूँगी, दोनों पोर्शन को मैंने खोल के ओवरलैप करके रखना है। सॉरी गाइस, यहाँ पे जो मेरे कैमरे का फोकस है वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा कपड़ा है वो ब्लैक शेड का है तो इससे थोड़ा इफेक्ट होता है कैमरे के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इंटरलॉक कर लूँगी, इंटरलॉक कर लिया है मैंने, और ये देखिए मैंने अपने फ्रंट पोर्शन को ऐसे खोल के रखा है। उसके बाद मेरा जो दूसरा पोर्शन है, ये देखिए इसको भी मैंने स्टिच कर लिया है, इसको मैं खोल के इसके ऐसे ऊपर रखूँगी और साइड में यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। साइड से ऐसे मैं एक तरफ से इसको स्टिच करूँगी और आप दोनों तरफ से इसको स्टिच कर लें, और साइडों में बाद में मैं इंटरलॉक कर लूँगी मैं इसको। तो ये हमारी साइड यहाँ पे स्टिच हो गई है। स्टिच करने के बाद मैं दोनों तरफ से स्टिच करूँगी
दोनों तरफ से देखिए मैंने स्टिच कर लिया है, इंटरलॉक भी कर लिया है। यहाँ पे देखिए दोनों साइडें मेरी स्टिच हो गई हैं। अब आती है हमारी बारी यहाँ पे इलास्टिक की। तो इलास्टिक जो मैंने ली है वो मेरी 1 इंच की है, क्योंकि मैंने 1.5 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करने के लिए छोड़ दिया था। अब उसके बाद हम पूरी कमर के ऊपर थोड़ा सा टाइट करके हम इंची टेप को घुमाएंगे, और जितना हमारा मेज़रमेंट आएगा यहाँ पर तो हम उससे 6 इंचेस यहाँ पर कम कर लेंगे। ध्यान दे गाइस, जितना हमारा मेज़रमेंट कमर का आएगा उससे हम 6 इंचेस कम करेंगे तो हमारी इलास्टिक का मेज़रमेंट आ जाएगा। तो इलास्टिक को हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हम देखिए जहाँ पे मैंने निशान लगाया था उसके नीचे से मैं ऐसे रखूँगी, और ये देखिए मेरा प्रॉपर यहाँ पे कपड़ा। हम कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, ध्यान रहे इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए हमारी। और ऐसे करके मैं पूरी इलास्टिक आपको यहाँ पर डालना सिखाऊँगी। देखिए पूरी इलास्टिक मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाऊंगी। तो इलास्टिक को थोड़ा खींचते जाएं पीछे की तरफ कपड़े को, और ऐसे अपनी इलास्टिक को यहाँ पे डाल लें। देखिए कपड़े को फोल्ड करते जाएं, और ध्यान रहे कपड़े के ऊपर ही सिलाई आए, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। और ऐसे करके मैं अपनी पूरी इलास्टिक को यहाँ पर स्टिच करूँगी। देखिए मैंने अपनी पूरी इलास्टिक यहाँ पे डाल ली है। धागे को कट करेंगे, कट करने के बाद हम इलास्टिक को अच्छे से खींच लेंगे ताकि जो हमारा कपड़ा है वो फ्रंट और बैक में इक्वली हो जाए। देखिए इसको मैंने ऐसे खींच लिया। खींचने के बाद इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे जब सेंटर में सिलाई आए तो कपड़े को इलास्टिक को आगे की तरफ खींचना है। ऐसे करके हमारी इलास्टिक यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। गाइस देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक यहाँ पे स्टिच हो गई है। इलास्टिक को स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे देखिए नीचे से किनारे को फोल्ड कर देंगे। एक किनारे को फोल्ड करने के बाद देखिए दूसरे को कैसे फोल्ड करना है वो मैं आपको बताऊँगी। आसन को पकड़ेंगे हम, देखिए दोनों आसन को यहाँ पर ऐसे मिलाएँगे और साइडों से पकड़ के जितना हमने एक साइड से फोल्ड किया है देखिए ऐसे रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। और ऐसे ही दूसरी तरफ से भी हम आसन को पकड़ लेंगे और यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। तो हमारी लेग जो है वो लंबाई में इक्वली फोल्ड होगी, छोटी या बड़ी नहीं रहेगी। तो ऐसे मैं फोल्ड करके इसको साइड से स्टिच कर लूँगी। मैं एक साइड आपको स्टिच करके दिखाऊँगी। तो जैसे मैंने निशान गाइज बता ही दिया था, मैंने आपको पहले हमारे निशान लग चुके थे, तो अब हमें निशान दूसरी तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ईजी हो जाता है जब हम दोनों तरफ अपने निशान को पहले ही लगा लेते हैं। तो ऐसे करके गाइज ये मेरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और ये मेरा स्ट्रेट प्लाजो बनके यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और मेरे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।